इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। सबसे पहले मैं कोरोना का अपडेट आपको दे दूँ। 118 लोग पिछले 24 घंटों में फौत हुए, 17,000 से टैली टॉप गई और आज पहला शहर मर्दान एक हफ्ते के लॉकडाउन में चला गया है। सिंध ने भी फौज की मदद मांग ली है फेडरल गवर्नमेंट से और केपीके के बाद। सो लेट्स होप, आज काफ़ी देखने में नज़र आया कि काफ़ी मुल्क में थोड़ी बहुत सख्ती हुई भी थी, उतनी नहीं शायद जितनी होनी चाहिए। सो लेट्स होप कि ये चीज़ें आगे चलें। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हो क्या रहा है? जो पिछला साल का फरवरी था और इस साल के फरवरी मार्च में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं छोटी सी आपको क्विकली एक बताता हूँ। फरवरी 2019 में जब हुआ, पुलवामा अटैक हुआ आपको याद है, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई और फिर अगस्त के अंदर इंडिया ने जब स्पेशल स्टेटस रिवोक किया, कैंसिल किया कश्मीर का, तो फिर हमारा झगड़ा हो गया और हमने एम्बेसडर भी वापस बुला लिया और सब कुछ चलता रहा। लेकिन इस फरवरी में क्या हो रहा है? पाकिस्तान इंडिया सीज फायर पर एग्री कर जाते हैं, 2003 का जो मौदा था वो अचानक रिवाइव हो जाता है और उसके बाद अभी तक दोनों तरफ से ना कोई शेलिंग हुई है, कोई बॉर्डर वायलेशंस नहीं हुई, बड़ी अच्छी बात चल रही है। फरवरी 2021 के अंदर ही यूएई के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं इंडिया में और बातचीत करते हैं। मार्च में एक बड़ी फेमस स्पीच सिक्योरिटी फोरम से करते हुए अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की चलती है, जिसमें वो कहते हैं कि जी बस अब पुराने माजी को दफन करें, आगे चलें और अब हमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये सब कुछ करना। मार्च के अंदर ही फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ दोबारा गुफ्तगू शुरू कर देता है इंडिया 2 साल के बाद। आपको याद है पहले बिल्कुल इस पर डेटा भी शेयर नहीं हो रहा था, सब कुछ हुआ था। फिर मार्च में ख़त लिखते हैं मोदी साहब इमरान खान को, इमरान खान उसका जवाब देते हैं और फिर वो भी मूव हुई कि जी इंडिया से आप मंगवा लें, चीज़ें मंगवा लें, कॉटन और वो चीज़ें। खैर वो फेडरल गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये अचानक हो क्या रहा है? हमने देखा मार्च के माह से काफ़ी खबरें लीक हुई इंडियन मीडिया से, फिर मिडल ईस्ट के अखबारों से और गल्फ में से, फिर खलीज टाइम्स की भी जो सॉरी अल जज़ीरा की खबरें निकली और उसमें बार बार बात हो रही थी कि यूएई मुत्तहदा अरब इमारात ने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया है। अगरचे फॉरेन मिनिस्टर ने इसको डिनाई किया है, लेकिन मैं अभी देख रहा था जो यूएई के एम्बेसडर हैं अमेरिका में अलुतैबा साहब, यूसुफ अलुतैबा, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में, और आप बी रोल में उनको देख रहे होंगे, बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि यूएई ने बड़ा रोल प्ले किया है और हमने कश्मीर टेंशन नीचे लेके आए हैं और हमें ये तो हमें नज़र आता है कि बेहतरीन दोस्त तो नहीं हो सकते, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात एक ऐसी लेवल पे आ जाए कि जहां फंक्शनल हों, ऑपरेशनल हों और जहां वो एक दूसरे से बात कर रहे हों। ये उनके फॉरेन मिनिस्टर का, और आपको याद होगा कि जिस दिन ये फॉरेन सीज फायर अनाउंस हुआ है, 2030 का रिवाइवल DGMOs दोनों साइड से रिवाइव हुआ, उससे अगले ही दिन फॉरेन मिनिस्टर मुत्तहदा अरब इमारात के एक दिन के दौरे पे न्यू दिल्ली पहुंचे और वहाँ काफ़ी बातें हुई। तो हो तो रहा है सब कुछ। पाकिस्तान के अंदर अनऑफिशियल जो ब्रीफिंग्स चलती हैं, जो बातचीतें चलती हैं, अस्करी ज़राए, गैर अस्करी ज़राए, हमारे से भी सारे दोनों साइड्स बात कर रही हैं, हमें तासुर ये दिया जा रहा है कि दिसंबर में इंडिया ने अप्रोच किया कि चले हम बातचीत करते हैं। इंडियन मीडिया की जो लीक्स हैं उसके मुताबिक वो सारा मलबा डालते हैं पाकिस्तान पे कि ये 2018 से कमर जावेद बाजवा साहब जब गए थे लंदन, तो इन्होंने भारतीय कह रहा हूँ इंग्लिश अपने काउंटर पार्ट से बात की और उन्होंने और यूके और यूएई ने इसमें रोल प्ले किया। वो कहते हैं कि ये लोग बात करने छेड़ने पे आमादा थे, हम कहते हैं वो कर रहे, चले खैर डजंट मेक अ डिफरेंस किसने शुरू की किसने शुरू नहीं की। लेकिन अब 3-4 सवाल उठ रहे हैं और उन्हीं का मैं जवाब आज लेने की कोशिश करूंगा। इन द मीन टाइम एक और इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर कर दूं। सैयद अली गिलानी साहब ने जो है उन्होंने बड़ी हार्ड लाइन ली है, उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये नहीं होना चाहिए। और आपको याद होगा जब जनरल मुशर्रफ साहब का भी 4-पॉइंट प्लान था तो सैयद अली गिलानी साहब ने उसको पूरा अपोज किया था। मगर दूसरी तरफ मीर वाइज साहब जो हुर्रियत को हेड कर रहे हैं, उन्होंने इसको वेलकम किया और उनका कहा कि दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। बड़ा
सेंसिटिव इशू है, क्योंकि आम हाल ये भी है कि जब तक जो कश्मीर में हालात हैं, क्या कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट अफोर्ड करती है कि वो इस पर कोई डिसीजन ले या बड़ा फैसला ले, क्योंकि कहते हैं कि ये उलट सकती है गवर्नमेंट। फौज का क्लियर इंडिकेशन आ गया है कि फौज डायलॉग को सपोर्ट कर रही है, फौज चाहती है, और ऑफ द कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड हमारे से भी जितनी अस्करी क़यादत की बातें हो रही हैं वो भी एक चाहते हैं कि फिज़ा बने जहाँ पर इसकी पॉजिटिविटी की बात हो। दो तीन सवालात उठते हैं कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है, मोदी, अमित शाह और अजीत डोवल, ये वो तीन लोग हैं जो जिनकी मुसलमानों की नफ़रत एक क्या कहते हैं आर्टिकल ऑफ फेथ है, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं कश्मीर में उसकी मज़र है, ये क्यों बात करना चाहते हैं? क्या इसलिए तो नहीं करना चाहते कि पाकिस्तान और हुर्रियत के जो लोग हैं इनके दरमियान में और तफरका बढ़े और शको शुबात हो, या वाकई चाहते हैं कि ये कोई वो कॉन्सनट्रेट कर सकें चाइना के साथ और दूसरे वामिल पे? क्या ये एक ट्रैप है? और सबसे बड़ी बात, क्या मुज़ाकरात करने में, बातचीत करने में कोई नुकसान हो सकता है? तीन जंगों से तो कुछ नहीं हुआ, क्या हम आगे बात बढ़ा सकते हैं? मेरे साथ बड़ा एक इंटरेस्टिंग पैनल है आज, हमें ज्वाइन किया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स। हमें सलमान बशीर साहब ने ज्वाइन किया है, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। और हमें ज्वाइन किया है शाहिद मलिक साहब ने, फॉर्मर हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू इंडिया। मैं तमाम अज़ा से वेरी क्विकली, टाइम की हमें एक बंदिश है बिकॉज ऑफ रमज़ान, तो क्विकली हम बात चलाएंगे। कसूरी साहब, दो चीज़ें वेरी क्विकली। आप तो इस साइकिल से गुजरे मुशर्रफ साहब के ज़माने में, वो कहा यह जाता है कि 2014 में भी आपसे आने से पहले जब लांबा साहब और उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी शहरयार खान थे, इनकी बड़ी बातचीत चली, बड़ी बिल्कुल फाइनल चीज़ें थी, साइन करने के पर आई हुई थी, आखिरी मौके पर कुछ पता नहीं क्या हुआ, और हमें अस्करी की आदत के बहुत सीनियर अफसर ने कहा कि हमें भी नहीं पता कि उस वक्त क्या हुआ। फिर आप लोग बहुत करीब आए, कहा कि जी मुशर्रफ साहब और आप लोगों ने जो मिल के गेम कर दिया इंडिया से, बिल्कुल साइन होने वाली थी। एक तो वेरी क्विकली, तब क्या हुआ था? क्या इंडिया बैक ऑफ कर गया, हमारे पांव ठंडे हुए, और क्या अब इन दो फेल्ड अटेम्प्ट्स को देख के अब जो फिर दोबारा बातचीत का सिलसिला चल रहा है, क्या इसमें कोई पॉजिटिव आउटकम नज़र आता है आपको? अब आपने सही कहा, टाइम की भी लिमिट है, तो मैं दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करता हूँ। एक तो आपने कहा कि जी फलां भी डिनाई कर रहा है, फलां भी डिनाई कर रहा है, तो महावरतन कहूंगा कुछ तो है जिसकी इतनी पर्दादारी है, यानी ये नामुमकिन चीजें आपने वो गर्दान दी, एक लंबी लिस्ट आपने दे दी, मैं क्यों रिपीट करूं? क्या ये ऐसी हो रही है? नामुमकिन है क्या ऐसी हो रही है? ऐसे मुमकिन नहीं है। मैं आपको अथॉरिटी पे कह सकता हूं कि हमारे वक्त की मिलिट्री और अब की मिलिट्री बिल्कुल इसको रैशनली देखते हैं, और मुझसे मैं आपको कह सकता हूं कि जो फॉर्मूला हमारे वक्त में था, अगर आप पूछेंगे तो टाइम की बंदिश है तो बता दूंगा, उसके अलावा कोई हल नहीं, वो ही नहीं सकता, नंबर वन। नंबर टू, अगर आज बात होगी तो तकरीबन उसी किस्म की होगी, नाम बदल जाएंगे, उसकी चार के बजाय 12.11 आ जाएंगे। मैंने भी जो है रिसेंटली आर्टिकल, उसमें 12 पॉइंट का जिक्र किया है, कोई पैराग्राफ ऊपर होगा नीचे होगा। मैं क्यों ये कह रहा हूं, कोई ऐसा हल नहीं हो सकता जिसमें कश्मीरियों की एस्पिरेशंस को रद्द कर दिया जाए, ऐसा हल पाकिस्तानी रद्द कर देंगे, नंबर वन। कोई ऐसा हल नहीं हो सकता, आपने तो तीन जंगों किया है, चार तो अगर आपका मिला ले उसकी थी कारगिल की, और मैंने किताब में 10 लिस्ट की हैं, या आप जंग के करीब थे या जंग कर चुके थे, तो हल है कोई नहीं। अब आपने कहा क्या अवामिल है, अवामिल बड़े सीधे हैं, वही है जो हमारे वक्त में, अवामिल ये है कि उस वक्त वाजपेयी साहब को पता चल गया था कि मसला है कश्मीर का हल नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान ऑन बोर्ड ना हो। अगर आप सवाल करेंगे तो जवाब दे दूंगा, क्योंकि टाइम की लिमिट है। इसी तरह से इन्होंने मोदी साहब ने बहुत जोर लगाया कि जी इन्वेस्टमेंट होगी, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि अगर कुछ हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और जम्मू कश्मीर में, और मैं रीजन नहीं दूंगा, आप अंदाजे लगाएं कि अगर मतलब उन्होंने कैरेक्टर बदला, पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक कैरेक्टर बदला, तो आप देखेंगे या कोशिश भी की तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फॉरन फायरिंग होगी, ये सारी कहानी धरी की धरी रह जाएगी, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, फौज हमेशा से रैशनल रही है, मैंने एक किताब में चैप्टर लिखा है। ये मुझे बताएं, यूएई का रोल, यूएई का रोल
इतना कैटेगोरिकली डाउनप्ले क्यों कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर? उसको साइड स्टेप भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, हर बंदे की अपनी स्टाइल होती है, मेरी स्टाइल और थी, दूसरों की और है, ये तो आप वो जवाब देंगे। मैं ये समझता हूं कि यूएई, सऊदी अरब ऐसे दो मुल्क हैं जिनका बड़ा फंडामेंटल इंटरेस्ट है, और खास तौर पे एक ऐसे वक्त जब अमेरिका अपने आप को विड्रॉ से सेंट्रल एशिया से नहीं कर रहा, ये साउथ एशिया से नहीं कर रहा, बट इन अ वे मिडल ईस्ट से नहीं कर रहा है, कि वो पाकिस्तान इंडिया की दो न्यूक्लियर पावर है, इनकी बड़ी भारी आबादी सऊदी अरब और यूएई में काम करती है, और इंडिया की तरफ से तो इन्वेस्टमेंट भी बड़ी होती है, तो उनके तो इंटरेस्ट में है कि, और फिर हमारे उनसे जो ताल्लुकात भारत के, वो तो उनके साथ नहीं, हमारे तो बरादराना मजहबी और हमारी कल्चरल अकदार एक जैसी है, लेकिन इंडिया के साथ उनकी बिजनेस रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है, तो उनका तो इंटरेस्ट है। नंबर दो, डिनाई करें या ना करें, तो फरिश्ते तो नहीं कर रहे भाई, कोई तो काम कर रहा है, क्या अमरीका कर रहा है? अमरीका ने सऊदी अरब को कहा है, अमरीका ने यूएई को कहा है, फॉरेन मिनिस्टर ठीक कह रहे हैं, भाई वो तो नहीं कर रहे ना, ठीक करेंगे, ठीक। हम डिप्लोमेसी में कहते हैं प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, जी अगर कोई बात कर रहा है तो इंटेलिजेंस के लोग कर रहे हैं, दोनों तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो नेशनल, आपके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट ऑन नेशनल सिक्योरिटी मोहित यूसुफ ने भी डिनाई किया है कि उन्होंने नहीं बात की, उसकी वजह क्या है? वो पंजाबी कहते हैं मुछा नेवियां नहीं होन देनियां, नहीं वो तो खुशी साहब उसके रीजंस है ना, वो तो सलमान मिश्री साहब, आई कम टू यू विद द क्वेश्चन आल्सो, वो तो हमें भी जितनी चीज़ें पता लग रही हैं सिविल और अस्करी जराए से, वो तो ये कहा जा रहा है कि इस वक्त इंटेलिजेंस लेवल पे बात कर रहे हैं, रॉ के अफसरान उधर से बात कर रहे हैं, इधर से शायद ISI के लोग बात कर रहे हैं, और मेन जो सी बात है शायद कुछ ही एक दो तीन मीटिंग्स में अजीत डोवल ने पार्टिसिपेट भी किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो भी फॉरेन सेक्रेटरी होता है हमारा, उसका बड़ा इंडिया सेंट्रिक ऑब्वियसली हमारा एक इशू है, सब कुछ है, हमें ये पता लग रहा है पाकिस्तान की साइड्स की जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं उसमें ये दावा किया जा रहा है कि इंडियंस ने अब अप्रोच किया दिसंबर में, इस पिछले दिसंबर में, कि चले रिवाइव करते हैं उस प्रोसेस को। मुझे ये समझाइए कि वहाँ पर अमित शाह, मोदी, डोवल, ये वो लोग हैं जो अपने आप को हिंदुत्व की तारीख में एक मुकाम चाहते हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं, इनके लिए पावर में आना भी मींस टू एन एंड था, ये इलेक्शन जीतने के लिए नहीं कर रहे, इन्होंने इलेक्शन जीता था हिंदुत्व के लिए और पूरे इंडिया को उस पर ले आए। जो डोवल की डॉक्ट्रिन थी कि हर क्राइसिस का एक लाइफ होती है और उसके बाद आप क्रश कर सकते हैं, वो उसकी क्राइसिस क्रशिंग रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं उनको कश्मीर में, उन्होंने स्टेटहुड ख़त्म कर दिया, उन्होंने सब कुछ बाकी भी राइट्स ले लिए, डेमोग्राफिक चेंजेस भी कर रहे हैं, वो क्यों इस वक्त बात करना चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि हमारे और हुर्रियत या दूसरी लीडरशिप है उनमें पहले जो शको शुभात हैं वो और बढ़ जाएं? व्हाट इज़ इन इट फॉर देम? जो हमें ये भी एक इंप्रेशन मिलता है कि शायद चाइना वाले बॉर्डर के लिए वो ज़्यादा टेंस हैं, ये भी पता लगा रिपोर्ट्स में कि एक उनकी दो कोर स्ट्राइक्स थी, कोर्स थी, एयर स्ट्राइक कोर मूव कर दी गई है नॉर्थ ईस्ट, तो वो भी पाकिस्तान के लिए वो थ्रेट भी नहीं रही मिलिट्री, क्या ये रीजंस काफ़ी हैं? क्या वो कोई ट्रैप कर रहे हैं? क्योंकि गुफ्तगू के तो हम हक में हैं, लेकिन शको शुभात को वी नीड टू एड्रेस दैम। जी थैंक यू मालिक साहब, मेरे ख्याल में दो चीज़ें हैं जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है। मेरे ख्याल में जैसे आपने भी इंडिकेट किया, पहला मौका नहीं है, मगर डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पे सिविल और मिलिट्री की आदत जो है वो दोनों साइड्स जो हैं हमारी, और मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि पाकिस्तान की सारी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो हमेशा से चाहती थी कि हिंदुस्तान के साथ जो है ताल्लुकात में बेहतरी आए। जब मैं फॉरेन सेक्रेटरी था तो पीपल पार्टी की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी कोशिश की गई, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी किया, बट ये कोशिशें नाकाम रही। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में किस तरीके का माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान के लोग इस समय भारत से दोस्ती के लिए तड़फ रहे हैं, इस तरीके का कुछ माहौल बना हुआ है। गाइज इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको बता दें पाकिस्तान भारत के बीच जो टेंशन है वो ऐसा मतलब काफ़ी कम ही होता है कि टेंशन ना रहे, इस समय वैसी ही सिचुएशन है। पिछले एक डेढ़ महीने से पाकिस्तान भारत के बीच
बॉर्डर पे सीज फायर में एक भी गोली नहीं चली है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। आपको बता दें कि दोस्तों, अगर आप 6 mm की गोली के भी मतलब जो बुलेट होती है उसका प्राइस देखेंगे तो वो भी 300-400 रुपये का होगा। तो आप समझ सकते हो जो वहाँ पर बॉर्डर पर जो गोली मोर्टार चलते हैं वो कितने महंगे होते हैं, और वो मतलब एक गोली ही मतलब आप समझ सकते हो उसकी कीमत क्या होती है। और ये भी आपको पता होगा, अगर पाकिस्तान वाले एक चलाते हैं तो हमें उसका 100 से जवाब देना पड़ता है। तो डेफिनेटली 5-10 मिनट में दोनों साइड से कई लाखों का एक बार में मतलब नुकसान हो जाता है। मतलब अब क्या कहें, नुकसान कहें उसे, क्या कहें, तो सिचुएशन आप जानते हो। गाइज आपको बताते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत जोर शोर से चल रही है। दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते हो जाएं तो इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी। लेकिन आपको भी पता है पाकिस्तान धोखा स्वभाव है पाकिस्तान का, तो ऐसा कुछ अगर पाकिस्तान दोस्ती के साथ धोखा भी देगा तो फिर डेफिनेटली ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। जो कि आपने देखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान तक चले गए नवाज शरीफ से मिलने कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में हमें पुलवामा मिला, बाद में हमें जो मतलब कश्मीर में जो टेररिज्म फैलाया गया वो मिला। तो अब पाकिस्तान भी शायद सिचुएशन समझ गया है कि कश्मीर उन्हें मिलने वाला है नहीं। भारत से दोस्ती करें, व्यापार बढ़ाएं। पाकिस्तान में आपको पता है चीनी 250 रुपये किलो मिल रही है, 250 रुपये किलो। दूध 125 रुपये लीटर मिल रहा है, सोच लो आप 125 रुपये। तो इस ये सब चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। तो गाइज ये वीडियो था, यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।